गरीब बेटी की अमीर माँ। ठंड की बारिश में भीगते हुए मालिनी अपने हाथ में एक प्यारी नन्ही बच्ची को लेकर अपनी सहेली के घर के बाहर खड़ी होती है। वह उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो सेजल, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, दरवाजा खोलो सेजल। सेजल जैसे ही दरवाजा खोलती है, वह भीगी हुई मालिनी और उसकी बेटी को देखती है। क्या हालत बना रखी है तुमने, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, और ये बच्ची किसकी है? मालिनी की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। वह अपने गोद से अपनी बेटी को सेजल को पकड़ा देती है, जिसके बाद वह सेजल से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है, सेजल ये मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि एक बिन ब्याही औरत माँ कैसे बन सकती है। ये सब मेरी ही गलती थी, लेकिन अब मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा और मेरे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को अपना नाम दे दो और उसके सर पर अपना हाथ रख दो। तभी वहाँ पर सेजल का पति अनुराग भी आ जाता है। वह मालिनी की ऐसी हालत देखकर अपनी पत्नी सेजल से कहता है, सेजल हमें 4 साल से कोई संतान नहीं हुई है, क्या पता ये भगवान की ही देन हो। कोई बात नहीं, आज से ये बेटी हमारी हुई। मालिनी एक आखिरी बार अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तुझे एक माँ का प्यार ना दे पाई, लेकिन मेरी सहेली तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पालेगी। खुश रहना मेरी बच्ची। मालिनी रोते हुए गांव से शहर की बस पकड़ती है और निकल जाती है। इसके बाद मालिनी शहर में एक बहुत अमीर खानदान में शादी कर लेती है और वहाँ खुशी से रहने लगती है। देखते ही देखते अब सेजल मालिनी की बेटी की अच्छे से परवरिश करती है और उसे पाल पोस कर बड़ा कर देती है। माँ मैंने खाना बना दिया है, मैं नदी किनारे पानी लेने जा रही हूँ। आराध्या ऐसा कहकर मटकी उठाती है और नदी किनारे पहुँच जाती है, जहाँ वह नदी से पानी भरकर जंगल के रास्ते वापस अपने घर की तरफ लौट रही होती है। वहीं पर एक पुनीत नाम का लड़का अपनी गुलेल से उसकी मटकी फोड़ देता है। कौन है यहाँ, किसने ये सब किया है? अरे कौन हो सकता है, मेरी गुलाबो मैं हूँ, तुम्हारा पुनीत। पुनीत ये क्या किया तुमने, देखा तुमने मेरी मटकी फोड़ दी, अब मुझे माँ बहुत डांटेंगी। ओहो अपनी माँ से तुम बहुत ज्यादा घबराती हो, तुम्हारी ही माँ है या सौतेली माँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरी ही माँ है। पुनीत आराध्या की बात सुनकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ जोर से खींचता है। अरे मेरी गुलाबो, एक चुम्मा लिए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से। पुनीत मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, यहाँ से अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। उसी वक्त अनुराग दोनों को एक साथ देख लेता है, जिसके चलते वह गुस्से से आराध्या का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से घर पर ले आता है। देखो क्या कर रही है ये लड़की यहाँ, अरे इसने हमारा नाम डुबो के रख दिया है, इस गांव में हमारी कितनी इज्जत है, लेकिन इसे थोड़ी ना समझ आएगी, आखिर है तो गंदा खून ही। ये सुनते ही आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, जो उसने किया वही अब ये भी करेगी। मैं नहीं चाहता कि इस गांव में मेरी कोई बदनामी हो, इसे बोलो यहाँ से चली जाएगी। अपने बीते हुए कल के बारे में सुनकर आराध्या को बहुत बुरा लगता है। उसे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि जिस घर में वो रह रही है वो माँ बाप उसके हैं ही नहीं। पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, माँ देखो पिताजी क्या कह रहे हैं, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सेजल रोते हुए कहती है, सच कहा इन्होंने, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं शहर में है और बहुत अमीर है। हाँ और अब तुम भी यहाँ से चली जाओ, तुम इस घर में नहीं रह सकती, अपनी माँ के पास जाओ और उससे अपना हक मांगो। अनुराग बेचारी आराध्या को घर से निकाल देता है। आराध्या बेचारी रोते रोते बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और अपनी किस्मत के बारे में सोचकर रोने लगती है। कैसी किस्मत है मेरी, कैसी माँ थी मेरी जो मुझे छोड़कर यहाँ से शहर चली गई, सिर्फ और सिर्फ अमीर खानदान में शादी करने के लिए। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, कोई माँ अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच सकती। उसके सामने शहर की बस आकर रुकती है और वह उस बस में चढ़ जाती है, जिसके बाद वह सीधा शहर पहुंचती है। शहर में गांव से भी ज्यादा ठंड होती है, वह ठंड में यहाँ वहाँ भटक रही होती है। कितनी ठंड है यहाँ, मेरे पास तो
एक सही सा स्वेटर भी नहीं है पहनने के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे पता करूँ कि मेरी माँ कौन है? आराध्या ठंड से कपकपाते हुए यहाँ वहाँ लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बता पाता। चलते चलते वह एक बहुत फेमस दुर्गा माँ के मंदिर के पास पहुँच जाती है। आराध्या उस मंदिर के अंदर जाती है और दुर्गा माँ के पैरों में गिरकर उनसे अपनी माँ के बारे में बात करने लगती है। दुर्गा माँ, अब आप ही मेरी मदद करो मेरी माँ को ढूंढने में। पता नहीं कहाँ है मेरी माँ। क्या मेरी माँ मुझे देखकर खुश होंगी या फिर अपनी गलती के चलते मुझे देखकर पछतावा करेंगी? आराध्या दुर्गा माँ के मंदिर में फूट फूट कर रो रही होती है। तभी उसे ठंड और भूख लगती है। वहीं वह मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास आकर देखती है, जहाँ एक औरत गरीबों में कंबल और खाना बांट रही होती है। वह भी इस लाइन में लग जाती है। जैसे ही उसका नंबर आता है, वहां पर और कोई नहीं बल्कि मालिनी ही गरीबों को कंबल और खाना बांट रही होती है। मालिनी आराध्या को देखकर उससे कहती है, अरे ये क्या, तुम्हारी आंखें तो रो रो कर सूजी हुई हैं। क्या हुआ, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरी मदद तो ऊपर बैठा भगवान भी नहीं कर रहा है, आप कैसे करोगी? मैं यहाँ मेरी माँ को ढूंढने आई हूँ। मेरी माँ ने बचपन में मुझे अपनी सहेली को सौंप दिया और मेरी बिना गलती पर उन लोगों ने मुझे इल्जाम लगाकर धक्के मार कर निकाल दिया। इसलिए मैं यहाँ शहर में आई हूँ अपनी माँ को ढूंढने। आराध्या की बात सुनकर मालिनी को अपने बीते हुए कल के बारे में याद आता है और वह अपने मन में सोचती है, मेरी भी तो एक बेटी थी, पता नहीं वह किस साल में होगी। मैं उसको अपनी सहेली के पास छोड़ आई, उसके बाद मैंने उसके बारे में एक बार भी पता नहीं लगाया। मालिनी ऐसा सोचते हुए आराध्या को एक कंबल और खाने का कुछ सामान दे देती है, जिसके बाद आराध्या वह कंबल और खाना ले जाकर मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी सभी गरीबों में कंबल और खाना बांटकर वापस घर लौट जाती है। उसके दिमाग में ये सब पूरी रात भर चलता रहता है और वह रात में सो भी नहीं पाती। भगवान ने मुझे बेटा दिया, लेकिन बेटी होने की आस मुझे आज तक सता रही है। कितनी कोशिश की लेकिन कोई बच्चा नहीं हो पाया। बेटे के बाद शायद ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे अपनी बेटी को ढूंढ लेना चाहिए। मालिनी रात भर ऐसा सोचकर सो जाती है। अगले दिन वह सुबह उठते ही शहर से गांव की बस में बैठती है और गांव में वह अपनी सहेली के घर पहुंचकर उसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है। मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी को एक बार देखने दो सेजल, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढने ही शहर गई थी, क्या तुम्हें वो अभी तक नहीं मिली? ये देखो तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और ऐसी दिखती है। इस बच्ची को तो मैंने देखा था मंदिर के बाहर, क्या सच में ये मेरी बेटी है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तभी इसे देखकर अपनापन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इससे मेरा कुछ लगाव है। मुझे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलना होगा। मालिनी उसी वक्त गांव से वापस शहर लौटती है। मंदिर के यहाँ इधर उधर पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर मालिनी को अपनी बेटी आराध्या ठंड में कंबल के अंदर लिपटी हुई नजर आती है। मालिनी उसे फौरन गले से लगाती है और उसे प्यार करते हुए कहती है, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे अपने आप से इतने समय तक दूर रखा, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटी देख, तेरी माँ तुझे लेने आई है। मालिनी आराध्या को सारा सच बताती है, जिसके बाद आराध्या रोते हुए अपनी माँ से कहती है, क्यों माँ, क्यों आपने मुझे इस तरह किसी और को सौंप दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो आपको आपकी बेटी की जरा भी याद नहीं आई? पता है मुझ पर क्या क्या बीती है? सब जानती हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे, चल मैं तुझे अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। मालिनी अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ वीरेन उससे आराध्या के बारे में पूछता है। मालिनी वीरेन को अपने बीते हुए कल के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वीरेन को बहुत तेज गुस्सा आता है। तुमने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन तुमने सच्चाई का सामना किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वीरेन ऐसा कहकर आराध्या और मालिनी को गले से लगा लेता है। वहीं उसका बेटा मयंक भी आता है और वह भी सभी बातें समझकर आराध्या को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद मालिनी अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करती है जो वो कर ना पाई, और उसे ठंड में घुमाने के लिए मनाली भी लेकर जाती है। अब आराध्या के पास अपना खुद का एक पूरा परिवार था, इसी के चलते एक अमीर माँ को उसकी बेटी मिल जाती है। अमीर गरीब बहू की सर्दी।
अरे बहू, पूजा की थाली कहाँ है? जल्दी से लेकर आ, घुड़चड़ी का समय हो गया है। तुझे पता है ना, अगर ये छोटे मोटे कामों में देरी हो गई तो बारात पहुंचने में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता मत करो, मैंने सारी चीजों की पहले ही तैयारी करके रखी है। मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। शिल्पी ऐसा कहकर पूजा की थाली लेकर आती है। शोभा उसे पूजा की थाली से अपने बेटे समीर की आरती उतारती है और उसके बाद उसे घोड़े पर चढ़ने के लिए कह देती है, जिसके बाद सभी लोग धूमधाम से बारात लेकर मेघा के घर पहुंचते हैं। चलो बेटा, अब तुम्हें मंडप पर चलना है। कुछ देर में तुम्हारी होने वाली पत्नी मेघा मंडप में आ जाएगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम दोनों आज शादी के बंधन में जुड़ जाओगे। शोभा ने अपने बेटे की शादी बहुत ही अमीर खानदान में की थी, जिसके चलते उसे ढेर सारा दहेज, सोना, चांदी और पैसा भी मिलता है। इसी के चलते शोभा अपने बेटे समीर की शादी मेघा से करवा कर उसके साथ खूब सारा दहेज और धन दौलत अपने घर ले आती है। शोभा बहुत ही प्यार से अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, घर के अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो, आज से इस घर की मालकिन तुम हो। शोभा के इस तरह कहने पर शिल्पी अपने मन में सोचती है, माँ नई बहू से ऐसा क्यों कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो मेघा को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से उसे इस घर की मालकिन ही बना दिया। शिल्पी के मन में ये ख्याल चल रहा होता है कि तभी शोभा शिल्पी से कहती है, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो, चलो अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा कर लाओ। शोभा के कहने पर शिल्पी मेघा को उसके कमरे में ले जाती है, जहां मेघा उस कमरे को देख कर कहती है, ओ माय गॉड, इतना गंदा कमरा, इससे अच्छा तो मेरे मायके में मेरा कमरा था, कम से कम बहुत सुंदर और प्यारा था, उसके अंदर सारी चीजों की फैसिलिटीज थी। घर में सबसे अच्छा कमरा समीर का ही है, तुम चिंता मत करो, यहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। शिल्पी के इस तरह कहने पर मेघा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वह अपने आप से मन में कहती है, ये फटीचर कहीं की मेरे बराबर में खड़ी होने के लायक भी नहीं है और मेरे आगे कितना बोल रही है, इसे तो मैं कल बताऊंगी, फिलहाल तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मेघा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी शिल्पी वहां से जा रही होती है। उसे जाते हुए देख मेघा उससे कहती है, कहाँ जा रही हो? तुम सुनो, मुझे रात को दूध पिए बिना नींद नहीं आती, एक काम करो, गर्मा गर्म दूध और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालकर मेरे लिए लेकर आओ। अमीर देवरानी पहले दिन से ही अपनी जेठानी के ऊपर हुकुम चलाने लगती है। शिल्पा गरीब थी और इसी के चलते वह सबसे दब कर रहा करती थी और किसी को भी कभी पलट कर जवाब भी नहीं देती थी। जैसे ही मेघा उसे काम बताती, वह चुपचाप रसोई में जाती है और उसके लिए दूध गर्म करके लेकर आती है। ये लो देवरानी जी, तुम्हारा दूध गर्म करके ले आई हूं मैं। मेघा दूध लेने के बाद अपने कमरे का दरवाजा लगा देती है, जिसके बाद शादी के चलते पूरा घर बिखरा हुआ होता है। रात को सोने से पहले शिल्पी पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करती है, सारा सामान उनकी सही जगह पर भी रखती है और वहीं सोने से पहले वह सारे गंदे बर्तन भी मांज कर रखती है। सुबह 5 बजे उठना होगा, पूजा पाठ करनी होगी, इसलिए मुझे समय से ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो सुबह बहुत दिक्कत होगी। शिल्पी ऐसा सोचने के बाद सारे घर की साफ सफाई करके बर्तन धोकर आराम से अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। अगले दिन उसे उठने में 9 बज जाते हैं। जैसे ही वह 9 बजे उठकर सभी के पास आती है, उसकी सास शोभा उससे गुस्से में चलते हुए कहती है, अरे क्या भांग पीकर सो रही थी क्या? तुझे समय का पता ही नहीं चलता? अरे जरा देख घड़ी की तरफ, सुबह का सूरज सर पर चढ़कर आ चुका है और तू अब उठी है। माँ जी, दरअसल बात यह है कि पूरी रात मैंने ठंड में बहुत काम किया और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, सुबह कब हुई मुझे समझ ही नहीं आया। अरे काम चाहे रात को होता चाहे सुबह होता, करना तो तुझे ही था, तो इसमें एहसान क्यों जता रही है? चल जा, सभी के लिए नाश्ता लेकर आ, और हाँ मेरी बात कान खोलकर सुन ले, बहू का फर्ज होता है सुबह सभी के उठने से पहले पूजा पाठ कर लेना। कल से अगर तूने इस काम में ढील छोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज तो मेघा की पहली रसोई की रस्म है, क्या वह रसोई में कुछ नहीं बनाएगी? अरे वाह, तुझे उससे क्या मतलब है, वो अभी सो रही है, तुझे पता है ना कितने अमीर घर से है वो, उसे सुबह उठने की आदत नहीं होगी, उसके उठने से पहले तुझे मेरी छोटी बहू के लिए नाश्ता पानी बना के रखना चाहिए।
अपनी सास की नजरों में अमीर और गरीब का ये भेदभाव देखकर शिल्पी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप रसोई में जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। ऐसे ही जब सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं, आखिरी में मेघा नींद से उठती है और फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाती है, जहां वह नाश्ता देखकर कहती है, अरे कितना ऑयली खाना है, ये ऐसा खाना मैं नहीं खा सकती माँ जी। देख रही हो ना आप, क्या आपकी बड़ी बहू मेरा फिगर खराब करना चाहती है। मेघा की बात सुनकर शोभा बिना बात के ही बेचारी शिल्पी को डांटने लगती है, जिसके बाद शिल्पी मेघा के बताए हुए तरीके से उसका नाश्ता बनाकर लाती है। नाश्ता करने के बाद भी मेघा चुपचाप अपने कमरे में जाती है और वहां रजाई ओढ़कर टीवी देखने लगती है। उसे घर के कामों से कोई मतलब ही नहीं था। सुबह से सारे काम मैंने ही किए और माँ जी को तो मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। जब इस घर में मेरी देवरानी आई है तो उसे भी मेरे साथ मिल बैठकर काम करवाना चाहिए। शिल्पी ऐसा अपने आप से बोल रही थी कि तभी शोभा ये सब सुन लेती है और अपने मन में उसके लिए बुरा बुरा बोलने लगती है। अरे देखो तो जरा इस फटीचर को, ये तो मेरी गोल्डन लॉटरी पर नजर गड़ा कर रखी है। कहीं इसका मेरी अमीर बहू को घर से निकालने का कोई प्लान तो नहीं है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं उससे कोई काम नहीं करवाऊंगी। शोभा घर में ठंड के सारे काम शिल्पी से ही करवाती है, जिसके चलते शिल्पी बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। उसकी बीमारी में भी ना तो शोभा उसे देखती और ना ही मेघा, बल्कि बीमारी में भी वो घर के सारे काम उसी से ही करवाते हैं। ओ माय गॉड माँ जी, इस घर में तो बहुत ज्यादा ठंड है। अरे तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है माँ जी, उसे बोलो जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाए। शोभा मेघा की बात सुनने के बाद अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है। अरे शिल्पी कहाँ है तू, शिल्पी शिल्पी, अरे शिल्पी की बच्ची तू बहरी हो गई है क्या, तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब ऐसा बोलते बोलते शिल्पी कमरे में पहुंच जाती है, जहां वह अपनी फटी पुरानी रजाई ओढ़कर आराम कर रही होती है। माँ जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आप मेघा के साथ मिलकर घर के काम कर लीजिए। शिल्पी की ये बात सुनते ही शोभा उसके ऊपर से पूरी रजाई खींच लेती है और उसे सोने से मना कर देती है, जिसके बाद वह उसे उठाकर घर के सारे काम करवाती है। बीमारी में भी शिल्पी घर के सारे काम करती है, तो वहीं ठंड में ना नहाने की वजह से मेघा के शरीर पर छोटे छोटे दानों से एलर्जी जैसी हो जाती है। माँ जी देखो ना ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शोभा मेघा की हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। देखो ये शरीर की साफ सफाई न रखने की वजह से हुआ है, आप ठंड की वजह से बिल्कुल अपने शरीर की केयर नहीं कर रही हो, आज से आपको अपने आप पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ दवाइयां मेघा को वो दे देते हैं, जिसके बाद वह 1 से 2 दिन तक तो अपना ख्याल रखती है, लेकिन फिर वह दोबारा से नजरअंदाज करने लगती है, जिसके चलते उसकी ये परेशानी और बढ़ने लगती है। इसी के चलते शिल्पी अपने बारे में ना सोचकर अपनी देवरानी की देखरेख करती है, उसके शरीर पर एलर्जी वाली जगह पर दवाइयां भी लगाती और उसको गर्म पानी से नहलाती हुई है। उसका ये अच्छापन देखकर मेघा को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ शोभा भी बीमार हो जाती है, शिल्पी उसका भी ख्याल रखती है। दोनों सास और देवरानी मिलकर शिल्पी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया, हमें तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऊपर से मैं हमेशा अमीरी और गरीबी में फर्क करती रही। जेठानी जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में जरा भी नहीं सोचा, हमेशा अमीरी के चलते आपको नीचा दिखाया और घर के सारे काम भी आपसे ही करवाए। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। शिल्पी उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद मेघा और शोभा का बर्ताव अब शिल्पी के प्रति बदल जाता है और वह सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।